लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स ए इज ट्वाइस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स बी, कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ बोथ द साउंड. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो. क्वेश्चन समझोगे तो अपने आप आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो सोर्स हैं, एक सोर्स ए है और एक सोर्स बी है. ठीक है, दोनों सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो सोर्स ए से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स बी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की डबल है बोल रहा है. ठीक है, मतलब अगर ए से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को एफ ए बोलेंगे, सोर्स बी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम बी बोलेंगे तो क्या बोल रहा है, इज ट्वाइस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स बी. ठीक है, मतलब सोर्स ए से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स बी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस है, यानी डबल है. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. सोर्स ए के लिए फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिया, एफ ए. सोर्स बी के लिए फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिया, एफ बी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ ए विल बी इक्वल टू टू एफ बी. इसको हम इक्वेशन वन डाल देते हैं. ठीक है, ये देखो, एफ ए विल बी इक्वल टू टू एफ बी, इसको हमने इक्वेशन वन डाल दिया. अब हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि v यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो जब v कांस्टेंट होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v को हम नहीं काउंट कर रहे, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो वेवलेंथ किसके बराबर होगा, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी के. मतलब वेवलेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से. फ्रीक्वेंसी हम एफ से शो कर रहे हैं. तो सोर्स ए के साउंड की वेवलेंथ अगर हम देखेंगे लैम्डा ए, यानी सोर्स ए के साउंड के लिए देखेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी. मतलब लैम्डा ए विल बी इक्वल टू वन अपॉन एफ ए. ठीक है, और बी के लिए क्या हो जाएगा, सोर्स बी के साउंड के लिए सिमिलरली लैम्डा बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ बी, वेवलेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो बी के लिए हम लैम्डा बी ले रहे हैं तो वन अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी एफ बी. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन टू डाल दिया. अब इक्वेशन टू में, ठीक है, इस वाली ही इक्वेशन में, इक्वेशन टू में, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है एफ ए की, सॉरी हाँ एक मिनट रुको, इसको हम इक्वेशन टू दे देते हैं और इसको इक्वेशन थ्री दे देते हैं. ठीक है, तो नहीं, ये वाला इक्वेशन टू है. ठीक है, टू में वन की वैल्यू रख दो. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो ये कुछ नहीं करना है, ये वाली जो इक्वेशन है इस वाले इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू रख दो, तो लैम्डा ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एफ बी. एफ ए की वैल्यू टू एफ बी थी ना, सिंपली पुट कर दिया. तो इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री. ठीक है, अब क्या करना है हमको, इक्वेशन थ्री को टू से डिवाइड कर दो. इक्वेशन टू को थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से. मतलब लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू एफ बी होल डिवाइड बाय वन अपॉन एफ बी. ऐसे में से अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एफ बी अपॉन टू एफ बी. ठीक है, तो एफ बी सिमिलर है, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा आपका, वन अपॉन टू. ठीक है, मतलब लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी की वैल्यू क्या आई, वन अपॉन टू. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा ए, अगर हम लैम्डा बी उधर करेंगे तो लैम्डा बी डिवाइड बाय टू. ठीक है, इसका मतलब वेवलेंथ ए की जो वेवलेंथ है, सोर्स ए की जो वेवलेंथ है वो सोर्स बी के वेवलेंथ की हाफ हो जाएगी, यही तो मतलब हुआ ना. ठीक है, तो सो द वेवलेंथ ऑफ सोर्स ए इज़ हाफ द वेवलेंथ ऑफ सोर्स बी. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना. ओके, बाय बाय.